निद्रा में मग्न है। आलस्य के देवता कुंभकर्ण के संबंधी कामचोर कपटी दुष्ट, निद्रा के अलावा और कोई कार्य है भी या नहीं? स्नान करने के बाद कौन सोता है? ये कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? कैसे विचार है तुम्हारे अपने पति के बारे में? शब्द केवल हमारे हैं, परंतु विचार तो अम्मा के है ना? निकम्मा, आलसी, दुष्ट। अम्मा अम्मा अम्मा, सुबह सुबह ऐसे सदवचन, मैंने नींद में भी कुछ कर दिया क्या? यही तो रोना है, कुछ भी नहीं करते हैं आप। अच्छा, इस घर का प्रमुख कौन है? अब तुम्हारे रहते इस घर का प्रमुख कोई और हो सकता है क्या अम्मा? हाँ वो तो है, परंतु नगर वासियों की दृष्टि में इस घर का प्रमुख कौन है? मैं। हाँ, तो अगर किसी को सहायता चाहिए तो किसके पास जाना चाहिए? पता नहीं, घर के प्रमुख के पास, अर्थात आपके पास, परंतु आप तो कोई कार्य करते नहीं है। अरे पर मैंने किया क्या है अम्मा? मेरा दोष क्या है जो मुझे इतनी सारी डांट खानी पड़ रही है? बताती, सुनो। अम्मा मंदिर से लौटकर आ रही थी, तभी उन्होंने देवैया काका को देखा। मेरे खेत की सिंचाई में सहायता कर दो। और लोगों ने उनकी सहायता करने से मना कर दिया। वो बहुत ही दुखी थे, वो अपने खेत की सिंचाई कैसे करेंगे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। पानी डालने के लिए कौन उनकी मदद करेगा? तो इसमें समस्या क्या है? देवैया काका को धन लेकर कार्य करने वाले सेवक रख लेने चाहिए। देवैया काका के पास धन नहीं है। अच्छा, तो हम उन्हें थोड़ा धन दे देंगे। अरे धन क्या वृक्ष पर उगता है? नहीं 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 नहीं, नहीं। परंतु तुम चाहती क्या हो? मैं स्वयं जाकर देवैया काका के खेत की सिंचाई करूं? हाँ, उठा लो। क्या? पात्र उठा लो और देवैया काका के खेत की सिंचाई करने में उनकी मदद करो। दूसरों के काम में मदद करना पुण्य का काम होता है। अरे बच्चों का खेल है क्या खेत की सिंचाई करना? और यदि ये पुण्य कार्य मैंने किया ना, तो अगले वर्ष तुम दोनों मेरी पुण्य तिथि मना रही होगी। हाँ, ये तो हर कार्य के लिए ना ही कहना होता। हाँ। अम्मा कह रही है इन्होंने देवैया काका को वचन दिया है। हाँ अम्मा, आपको वचन नहीं देना चाहिए था, आप तो जानती है कोई कार्य नहीं करना चाहते है। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ अम्मा, मारना नहीं, जा रहा हूँ। आते हुए सब्जी लेकर आइएगा। इस बुढ़े ने तो नाक में दम कर रखा है मेरे, पता नहीं कहाँ कब मर जाए। भगवान उठा ले, उठा ले भगवान, उठा ले। पंडित रामकृष्ण, प्रतीत होता है इस पोटली में कोई अति बहुमूल्य वस्तु है जिसे हृदय से लगाकर चले जा रहे हैं आप। जी, वो क्या है कि महाराज ने पुरस्कार में स्वर्ण मुद्राएं दी है। स्वर्ण मुद्राएं? क्या कर रहे हैं, धीरे बोलिए, मैं इन्हें सुरक्षित घर पे रखने जा रहा हूँ। आपका घर तो उस दिशा में है, वहाँ कहाँ चले जा रहे हैं? वो मैं आप दोनों से भेंट करने आ गया था। क्यों? अरे यदि कोई चोर मेरे पीछे होगा तो मुझे आप दोनों शूरवीरों के साथ देखकर डर कर भाग नहीं जाएगा। कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं इस पोटली में? पता नहीं, गिनती नहीं करी अभी तक। पोटली तो भरी हुई लगती है, लगता है अधिकाधिक स्वर्ण मुद्राएं हैं। अर्थात एक दो स्वर्ण मुद्राएं यहाँ की वहाँ हो जाएं, तो आपको पता तो नहीं चलेगा। हाँ सत्य कह रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, पोटली घर पे रखकर बाकी कार्य भी पूर्ण करने हैं ना, बहुत कार्य पड़े हैं। आप चिंतित ना होइए, आप अपने सारे कार्य पूर्ण कर लीजिए, ये पोटली हम आपके घर पर पहुँचा देंगे। सच में आप मेरी सहायता करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, अरे एक महान पंडित ही तो एक महान पंडित के कार्य आता है। धन्य हो आप दोनों। लाइए लाइए पोटली। जी
जरा संभाल के हाँ। आप निश्चिंत रहिए। मैं आप दोनों का अत्यंत आभारी हूँ, परंतु सतर्कता पूर्वक जाइएगा। जी जी आप जाइए, हम पहुँचा देंगे पोटली। जी मैं चलता हूँ। पंडित रामाकृष्णा, ये पोटली अवश्य तुम्हारे घर पहुंचेगी, परंतु इस पोटली में कितनी स्वर्ण मुद्राएं होंगी इसका आश्वासन हम तुम्हें नहीं देते हैं। चल धनी, चल बनी। धनी चल इस पोटली में से कुछ स्वर्ण मुद्रा चुरा लेते हैं। नहीं 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 अभी नहीं, पहले ये निश्चित कर लें कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। कोई नहीं देख रहा मनी, निकाल ले स्वर्ण मुद्रा। धनी हो जाएंगे, ये पोटली खून नहीं रही। जल्दी खोल, जल्दी पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हमारी स्वर्ण मुद्राएं लेके भाग गया। अरे अरे हमारी स्वर्ण मुद्राएं लेके भाग गया। स्वर्ण मुद्रा लेकर भाग गया, हमने बड़ी मेहनत से कमाया था। चलो चलो स्वर्ण मुद्राएं लेके भाग गया। हमारी स्वर्ण मुद्राएं, चोर ने आपकी स्वर्ण मुद्राएं कुएं में डाल दी। पर वो तो हमारी पोटली नहीं है, हमारी पोटली तो आपकी नहीं है। नहीं, अर्थात पोटली जिसे मिले उसकी नहीं। धनी जल्दी से बाल्टी कुएं में डाल के स्वर्ण मुद्राएं निकाल। खेत की सिंचाई हो गई। हाँ धन्यवाद, मेरी विनती करने पर तू मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा था। काका कभी कभी घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अर्थात? दुख की बात है परंतु सत्य तो यही है कि बिना लोभ के कभी भी कोई किसी की सहायता नहीं करता। आपने देखा ना स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में किस प्रकार सबने कुएं में से जल निकाल निकाल कर आपका पूरा खेत सींच दिया। सत्य कह रहे हो बेटा। काका धन के लोभ में तो कभी कभी शव भी चिता से उठकर खड़ा हो जाता है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। खुश रहो खुश रहो। क्या कर रहे हैं आप, मेरे पैर क्यों पकड़ लिए? हम अत्यंत तुच्छ प्राणी हैं। हम आपके समक्ष कीट पतंगों के भांति हैं। हम तो मकोड़े के तुल्य हैं। हम तो मकोड़े के पैरों के धूल हैं। चींटी हैं चींटी। हाँ हाँ ये सब तो मैं भली भांति जानता हूँ, परंतु प्रसंग क्या है स्पष्ट तौर से बताइए। हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है पंडित रामाकृष्णा। हमें क्षमा कर दीजिए पंडित रामाकृष्णा। त्रुटि? कैसी त्रुटि, मैं कुछ समझा नहीं। हमसे वो पोटली चोर छीन कर ले गया। और वो चोर ने उस पोटली को कुएं में फेंक दिया। हाँ, और इस चोर ने ऐसा ही कंबल ओढ़ के रखा था जो इस समय आपके पास है। हाँ, और उस चोर की कद काठी भी बिल्कुल आपके जैसे ही थी। हमने उस चोर को ढूंढने का बहुत प्रयास किया पंडित रामाकृष्णा, पोटली भी नहीं मिली। पोटली? कैसी पोटली? क्या ढूंढा आप लोगों ने,
मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक तरह से समझाइए। आपको स्मरण नहीं, आपने हमें एक पोटली दी थी। नहीं, वो पोटली स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी, वो भी स्मरण नहीं? नहीं। अरे वही पोटली जो आपने कहा था कि आपको महाराज ने पुरस्कार स्वरूप दी है, वो भी स्मरण नहीं? नहीं, मुझे तो कुछ स्मरण नहीं। अच्छा, आप दोनों मेरे साथ परिहास कर रहे हैं क्यों? वैसा ही समझ लीजिए, हम दोनों आपसे परिहास कर रहे थे। हमें हमें प्रातः काल से कोई मिला नहीं ना परिहास करने के लिए, इसीलिए। हमारे गुरुवर भी कहीं बाहर गए हुए हैं, तो हमने सोचा आपसे क्यों ना परिहास कर लें, है ना धनी? मनी, हमें तो पता ही नहीं कौन सी पोटली, कैसी पोटली, कहाँ की पोटली। अच्छा, तो पंडित रामाकृष्ण हम चलते हैं। जी जी, अवश्य, प्रणाम। क्या हो गया पंडित रामकृष्ण को, अत्यंत विचित्र सा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य सी बात है कि पंडित रामकृष्ण को अपने निवास स्थान का भी मार्ग ज्ञात नहीं है। कुछ तो है। जब अम्मा को पता चलेगा कि मैंने देवैया काका की सहायता कर दी है तो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी और मुझे दो चार दिनों तक कोई कार्य देंगी भी नहीं। अब शारदा, ओ शारदा माँ, देखो मैं घर आ गया हूँ। आप आ गए? सब्जियाँ, सब्जियाँ नहीं लाए? सब्जियाँ? हमने आपसे कहा था ना, जब घर लौट कर आएंगे तो सब्जियाँ साथ लेकर आए। तुमने कहा था? तुमने कब कहा था? माँ देखो, तुम्हारा कार्य मैंने अच्छे से संपन्न कर दिया। कार्य? कौन सा कार्य? अरे तुम्हें तो कहा था देवैया काका की सहायता करने के लिए, तो मैंने और मेरे साथ साथ पूरे गाँव ने, यहाँ तक की धनी मनी ने भी उनके खेतों को सींचा है। हो सब तो ठीक, परंतु सब्जियां कहाँ हैं? सब्जियां तो मैं भूल गया। एक भी कार्य आपसे ठीक से नहीं होता, आपसे तो किसी कार्य की अपेक्षा करना ही बेकार है, हमें खुद ही सब्जियां लानी पड़ेंगी। शारदा, तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं, पंडित रामकृष्ण ने सोच समझ कर ये कार्य किया, सब्जी भाजी लाने में भला कितना समय लगता। ओ शुभ लक्ष्मी देवी। शुभ लक्ष्मी नहीं, शुभ लक्ष्मी। हाँ हाँ, शुभ लक्ष्मी देवी, ये हमारा पारिवारिक प्रसंग है, इसके बीच में आपको बोलना उचित नहीं। ये पारिवारिक प्रसंग नहीं है, हर घर में सारे पुरुष ऐसे ही होते, ये तो सार्वजनिक प्रसंग है। आपके घर में होते होंगे ऐसे पुरुष, मैं तो बड़ा ही व्यवहारिक, कार्य कुशल और कर्मठ व्यक्ति हूँ। हाँ। उठा लो। क्या उठा लो? परिवार के कार्य का बोझ उठा लो और जा जाके सब्जी लेकर आओ। अरे वो तो मैं पहले कार्य के बोझ से बहुत थक गया हूँ, अब और कार्य मुझसे नहीं होंगे। अम्मा, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। गुरुजी, गुरुजी, आपके प्रिय शिष्य धनी मनी एक अत्यंत शुभ समाचार लेकर उपस्थित हुए हैं। अरे मूर्खो, क्या समाचार लाए हो? ऐसे कैसे बता दे गुरुजी, पहले हमें पुरस्कार प्रदान कीजिए, फिर बताएंगे शुभ समाचार। क्या वरुण माला को किसी क्रोधित सांड ने सिंह मार दिया? नहीं गुरुदेव, इससे भी अधिकाधिक शुभ समाचार है। क्या देवी सौदामिनी ने अपने दूर देश की तीनों अत्यधिक सुंदर बहनों को कुछ दिनों के लिए आमंत्रित कर लिया? अरे गुरुजी, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत बड़ा खुशखबरी समाचार लेके आए आपके लिए। क्या पंडित रामकृष्ण को महाराज ने दरबार से निष्कासित कर दिया? नहीं गुरुदेव। जाओ जाके डूमरो नदी में। परंतु गुरुदेव, हमारा शुभ समाचार तो पंडित रामकृष्ण के विषय में है। शीघ्र बताओ, शीघ्र बताओ, क्या 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 हुआ ऐसा? गुरुदेव, हम जो शुभ समाचार लेकर के आए हैं, उसकी सहायता से आप पंडित रामकृष्ण को अवश्य ही राज्यसभा से निष्कासित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पंडित रामकृष्ण को दरबार से निष्कासित? शीघ्र बताओ,
ऐसे ऐसे सुंदर स्वप्न मत दिखाओ हमें। गुरुदेव, हमें पंडित रामकृष्णा की एक कमी के बारे में ज्ञात हुआ है। गुरुजी, पंडित रामकृष्णा में एक ऐसी कमी है जिससे आप पंडित रामकृष्णा को दरबार से निष्कासित करने में आपकी सहायता होगी। शीघ्र बताओ क्या हुआ। गुरुजी बताते हैं, सुनिए। सुना? आपको स्मरण नहीं, आपने हमें एक पोटली दी थी। वो पोटली स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी, वो भी स्मरण नहीं? नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने किया। ये लो। तामने बुद्धगा गुरुजी, वो भी एक? तुम हो ही इसी योग्य। गुरुजी, हमने तो आपको इतनी महत्वपूर्ण सूचना बताई है। मूर्खों के राजकुमार हो तुम। पंडित रामकृष्ण ने अवश्य तुम्हें मूर्ख बनाया है, परंतु हाँ, तुम दोनों ने पंडित रामकृष्ण के बारे में हमें एक उपाय दे दिया है। कौन सा उपाय गुरुजी? हमें भी बताइए। यदि हम दरबार में ये सिद्ध कर दें कि पंडित रामकृष्ण की स्मृति क्षीण हो गई है, तो महाराज स्वयं पंडित रामकृष्ण को दरबार से निष्कासित कर देंगे। अब जैसा हम कहें तुम दोनों वैसा करो, हम तुम्हें और ताम्र मुद्राओं का पुरस्कार प्रदान करेंगे, पंडित रामकृष्ण को दरबार से निष्कासित करवाएंगे। पंडित रामकृष्ण। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 पंडित रामकृष्ण दरबार में दिखाई नहीं दे रहे हैं। महाराज, महाराज, आज हमें विदित हुआ कि पंडित रामकृष्ण दरबार में विलंब से उपस्थित क्यों होते हैं। रहस्य छुपा रहे हैं महाराज। आपको, हमको, पूरे दरबार को और यहाँ तक कि पूरे राज्य को भ्रमित कर रहे हैं। गुरुवर, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। पंडित रामकृष्ण हमें भ्रमित कर रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा। महाराज, इसमें पंडित रामकृष्ण का कोई दोष नहीं है, ये रोग ही इस प्रकार का है महाराज। रोग? कैसा रोग गुरुवर? विस्मृति का रोग महाराज। जी हाँ, हमारे पंडित रामकृष्ण भुलक्कड़पन के रोग से ग्रसित हैं। भुलक्कड़पन से? ये आप कैसे कह सकते हैं गुरुवर? महाराज, यदि आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप हमारे शिष्य धनी मनी से सत्य जान सकते हैं। जी महाराज, सत्य है। कल सबके समक्ष बीच मार्ग में इन्हें पंडित रामकृष्ण ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दी और भूल गए। स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली? जी हाँ महाराज, वही पोटली जो आपने पुरस्कार स्वरूप पंडित रामकृष्ण को दी थी। हमने? परंतु गुरुवर, हमें तो स्मरण नहीं हो रहा है कि हमने पंडित रामकृष्ण को कोई भी स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दी हो। परंतु महाराज, पंडित रामकृष्ण ने तो हमसे यही कहा था। महाराज, ऐसा प्रतीत होता है आप भूल गए। आप हैं ही इतने दयालु, उदार, प्रतिदिन कभी भी किसी पर भी प्रसन्न हो जाते हैं और उसे पुरस्कृत कर देते हैं। अब आप जैसे श्रेष्ठ उत्तम व्यक्ति को यह सब स्मरण रहेगा भी कहां भला। ये तो आप सत्य कह रहे हैं गुरुवर। जी।
परंतु गुरुवर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पंडित रामकृष्ण को अचानक ये रोग कैसे हो गया। ये तो प्रारंभ से ही था महाराज, परंतु किसी को विदित नहीं हुआ। अब देखिए ना महाराज, पंडित रामकृष्ण दरबार में विलंब से आते हैं, संभवतः वो दरबार में आने का मार्ग ही भूल जाते हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.